because down the line I think I'll be in US residency. If you do that, please guide me. Definitely, definitely. I am there for everybody. Thank you. I hope I'll be doing TV. I see myself as a very super successful doctor somewhere in a very good hospital. मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ समवेयर इन एनी मेडिकल कॉलेज और डूइंग द स्टफ इन नेक्स्ट 3 इयर्स सो यू व्हाट नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ डॉक्टर डूड यू स्पेंड 5 इयर्स हियर पीजी कॉलेज कंप्लीटिंग माय पीजी डिग्री अबाउट स्टडीज एंड ऑल तो यही बोलूँगा कि यार अपने कॉलेज में थोड़ा सा कम माहौल है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए अबाउट ये इन सब की प्रिपरेशन वगैरह तो दैट इज़ ऑल बाकी तो मज़े करो एंड सब चिल करो यूनिटी बना के रखो यार प्लीज़ इस हमारे सामने गार्ड वार्ड हीरो बनते रहते हैं उस दिन मैंने क्लास ली इनकी इसकी सामने सबकी क्लास ली कभी यूनिटी बना के रखोगे तो सही होगा ना तुम्हारे सामने BDS वाले सारे रात को फेस कर रहे हैं और तुम हमारे फ्रेशर के लिए टाइम लेके नहीं आते एडवाइस टू योर जूनियर्स कैमरा रनिंग मैन गट्टू हाय टेंशन मत लेना किसी बात की भी कुछ नहीं होने वाला सीरियसली नो पॉइंट सीरियसली सम ऑफ देम नीड टू ड्रेस बेटर पढ़ना तो जानते हो बस नेवर गिव अप और टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है मतलब सीरियसली मत लेना कभी भी कुछ डूड यू आर द मोस्ट यू नो स्टूडियस पर्सन नहीं यार सब धोखा है हाँ जूनियर्स के लिए एक ही एडवाइस है अब वो मैं लेके आई हूँ सूखे पत्तों पर पैर ज़रा अदब से रखना गालिब कड़ी धूप में मांगी थी तुमने पनाह इनसे कभी सूखे पत्ते फॉर सीनियर्स एनी फॉन्ड मेमोरीज यू हैव कॉलेज की व्हेन आई गिव माय थर्ड सेम का फार्मा प्रैक्टिकल एंड आई वाज एक्चुअली आई कैन से अभी बोलूँ तो आई वाज टोटली इंटॉक्सिकेटेड जब मैं आया था सुबह सुबह तो बट आई स्टिल मैनेज टू पास थ्रू इट नकली को हॉस्टल के अंदर नंगा भगाना अठन्नी चवन्नी डांस कुछ किया था ना हाँ समथिंग लाइक यस बहुत सारी है सीरियसली एनीथिंग फनी एनीथिंग सबसे ज़्यादा तो कॉलेज और कुछ होता भी नहीं परफॉर्मिंग माय डांस परफॉर्मेंसेस फर्स्ट ईयर क्या ऐसा क्या हुआ था फर्स्ट ईयर में हम सारे आए थे एकदम बॉल्ड हो के आए थे क्लास में सारे एक साथ एंट्री मारी थी हमने सबको गंजा करवाया नहीं उन्होंने बोला था कि बाल कम होने चाहिए तो हमने पूरे गंजे हो के आए थे क्लास में बहुत फनी मेमोरी थी वो ठीक है आई थिंक मैं तो ओपन था बिल्कुल पूरे टाइम नकवी गए पर तब तक तो सिर्फ इतना पता था जो मम्मी पापा वगैरह ने मेमोरीज दी हुई थी कि रैगिंग होती है ये होता है एंड आई वाज पर्टिकुलरली वो ऑफ की ठीक है स्कूल में भी रैगिंग होती थी हमारे तो चलता है चल जाएगा कहाँ फंस गए आई थॉट कि मैं एक बिल्कुल ही बैरन जगह पे आ चुकी हूँ जहाँ कोई नहीं है और बस अंकल टाइप लोग हैं और खाली पड़ा है कैंपस कॉलेज आगे अब तो क्या करना है सोचा था मस्ती करेंगे ये मस्ती भी करी लेकिन ठीक है हाँ वो थोड़ा है मेडिकल कॉलेज में आके मतलब रियल फील कॉलेज लाइफ डेफिनेटली गोना मिस यू पोशेड प्राइवेट कॉलेज है और इतनी ज़्यादा फीस है ब्ला 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 It lived up to the expectation. बहुत अच्छा लगा मतलब it will be a very big part of my life जो मैं miss करूँगा. हम नहीं जा रहे. वो 6 बजे basketball करते मिल जाएंगे रोज. हम तो आने वालों के साथ रहते हैं आजकल. निकाल के दिखाओ हमको. याद आएगी. तब थोड़ा सा दुख हो रहा है और खुशी भी हो रही है क्योंकि नए कॉलेज में जाना है पर इतने 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 वंडरफुल जूनियर्स हैं और इतने वंडरफुल सीनियर्स थे बहुत बहुत मज़े के हैं बहुत 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 सारी चीज़ें हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो अपने हाथ में नहीं है मगर अबाउट द मेंटालिटी ऑफ यू थिंग्स कि यार ऑब्वियसली थोड़ा बहुत है कि यार अपने को यहाँ में कई लोग थोड़ा सा गर्ल्स वर्ल्स की तरफ थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता बाकी तो एवरीथिंग इज़ प्रीटी गुड
हॉस्टल कोविड हो जाना चाहिए वेरी गुड लेक्चर्स एंड उसमें जो है कमेंट्री दैट थिंग आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट रिगार्डिंग गर्ल एंड बॉयज बीइंग फ्रेंड्स टुगेदर लोगों की सोच प्रोबेबली द मेंटालिटी पीपल तो काफी अच्छा हो गया यार मतलब अब तो बहुत अच्छा हो चुका है 11 बैच आया था तो कैंटीन भी इतनी अच्छी थी और वे बॉस अभी अभी आया बहुत चीजें अच्छा हो गया था हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं चाहती हूँ कि बैडमिंटन कोर्ट अच्छा हो जाए प्लीज ओके एग्जाम में जब फटती है जब बैठ जाओ जाके यार वहाँ मेरी किताबें पढ़ती हैं वहाँ पे मेरे नो आई डोंट थिंक सो कपल्स मिलते हैं बस पब्लिक अनाउंसमेंट प्लेस जिनको अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करना होता है वो लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं लाइक बीन देयर डन दैट नो 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 ओनली बीन देयर ऑब्जर्व्ड दैट काइंड ऑफ लोगों से मिल सकते हैं मैं भी आया हूं बस चिल करने की जगह This is our fashion parade from 8 to 9. You will see all girls from all BDS, MBBS coming, all decked up. Chill. Juice. Mera favorite pastime. Oh, make out. Make out. Dipper and car. Hooter. Evening walks. In secret zone. Secret zone. Well, it's all in the name. A lot of linking happens there on the link road. Link road. I've never gone there. No, no. You've never jogging place. ऑडिटोरियम फेस्ट के टाइम मिलने वाली किराए की जगह ऑडिटोरियम स्टीव बसड़ बसड़ यार नखी का चूतिया आप फेस्ट डांस धक धक गर्ल्स धक धक गर्ल्स ऑडिटोरियम इज अ डिस्कवरी प्लेस बेसिकली यू डिस्कवर अ लॉट ऑफ न्यू पीपल हॉट पीपल देयर ओके ऑडिटोरियम ऑडी फेस्ट सेमिनार्स ओके कोई सीक्रेट क्रश था आपका कोई नहीं था कोई नहीं था बहुत क्यों क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हैं मेरे को मेरी जिंदगी खराब है एक बहुत ही सुशील टाइप का लड़का है वो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती सीनियर है प्लेस जहाँ पे जो भी रिलेशनशिप वाले थोड़ा बहुत जगह वगैरह ढूंढ के टाइम पास करने के लिए ढूंढते हैं आजकल वैसे वो लाइट्स आ गई पार्किंग है ना जब भी अभी नया हॉस्टल बना है उसके पीछे जाके पूरी गाड़ी पार्क होती है और सिर्फ पेड़ के नीचे से आती है सिर्फ मूनलाइट आती है कुछ नहीं आता बाकी आप होते हो और आपको जो महसूस कर सकते हो फिजियोलॉजी जोन लिंक रोड मॉर्चरी बेस्ड ऑन गॉसिप ओनली आई हैव नो क्लू But you're very successful. Yeah, no, I don't know these things, but I have seen a lot of people come out of those places. Kopcha is a secret place. Jahan mil sakte hain. Kopcha. हाँ आई रिमेंबर कि व्यास एंड आई एंड अ फ्यू ऑफ अस वर इन्वॉल्व्ड हम लोग एक फेक नोटिस वोटिस निकालते थे एग्जाम्स के एंड ऑल एंड हाँ नंबर प्लेट निकालती थी जैसे गाड़ी डंड मारते अल्फाबेट्स होते थे उसको ए लगाते थे बी लगाते थे बी लगाते थे बोलने की जरूरत नहीं मेरे को माय गैंग चेंजेस विद एवरी कांड सो वी डू अ कांड एंड देन वी चेंज द गैंग वी डिस्पर्स फर्स्ट ईयर में बोतल फोड़ते थे क्या कहते थे बोतल फोड़ते थे आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा है बेस्ट टीचर तो एवरी टीचर वाज गुड यार ऐसा तो क्या बोलूं मैं एवरी टीचर वाज प्रीटी गुड रेशु मैम और तुहिन सर रेशु मैम और तुहिन सर तुहिन सर ने हमेशा ध्यान रखा है अंचन मैम डी एस चौधरी
ये सबकी अलग अलग बातें हैं, किसी किसी पढ़ाने तरीका अच्छा होता है, मतलब जैसे कि दो तीन चीज़ें अच्छी लगती हैं, हिंदू मैम के जोक्स अच्छे लगते थे, हाँ पुष्प मैम की इंग्लिश अच्छी लगती थी, दीपी पुनिया सर। You're so beautiful. I love you. I cannot think of a day without you. हो गया? Who's your favorite junior? बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे, बहुत अच्छी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा तो 13 बैच वाले काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। ये लोग जो ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं, नितिन, ये लोग, मनोज, आप भी यार, सबके सब फेवरेट हैं, उमंग एंड ऑल, सब जो भी हैं, सब सब फेवरेट हैं यार। बहुत सारे हैं यार, वालों के साथ रहते ना, वो फेवरेट सारे फेवरेट हैं यार, सारे फेवरेट हैं। आपके यार नाम लेना गलत होगा। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि किसी का भी नाम लिया तो मेरा मौत है। रैगिंग हुई यार, 0-10 बैच ने बहुत अच्छी रैगिंग ली थी हमारी। मतलब रात को आना 12 बजे बाद लाइट्स ऑफ करके। और आई डोंट थिंक मैंने किसी की रैगिंग ली है आज तक, बट रैगिंग दी तो जरूर थी काफी बार, एंड हॉस्टल वगैरह में कई बार हुआ था कि यार सीनियर्स वगैरह थोड़ा बहुत चलता है यार, थोड़ा फर्स्ट ईयर में पंखे को देख के 10 गालियाँ दो। यहाँ पे क्या कहते हैं, दीवार को किस करो जाके। डेफिनेटली अलॉट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के वाइज तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, एंड हर चीज़ के हिसाब से यार, मेंटेलिटी वगैरह के हिसाब से। जब हम आए थे तब ऐसा होता था कि भाई जो गर्ल से बात कर ले उसकी हालत ख़राब हो जाती, अब तो इट हैज़ टर्न आउट प्रीटी वेल यार, अच्छा माहौल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स एंड दी माहौल ओवर हियर, यहाँ पे मतलब इट वॉज प्रीटी चिल यार, बहुत मज़े आते थे हर चीज़ के अंदर, एवरीथिंग हैड इट्स ओन इम्पॉर्टेंस कि यू प्ले योर इन योर फेस्ट, यू प्ले फॉर योर बैच एंड ऑल, उसका एग्जाम हर चीज़, एवरीथिंग वॉज प्रीटी गुड यार, बहुत एवरीथिंग विल बी मिस्ड। बहुत एक्सपीरियंस आ गया है और काफ़ी एक्साइटेड है फ्यूचर लाइफ के लिए ऑफकोर्स, और एक्सपीरियंसेस थे गुड एंड बैड, बहुत सारे लेसन सीखे, एंड आई थिंक आई मिस हॉस्टल लाइफ द मोस्ट। रूम 301R, आई एम गोइंग टू मिस माई जूनियर, यू गाइस, बैचमेट्स, जूनियर्स, एवरी जूनियर। मैं थैंक यू करना चाहूँगी सारे जूनियर्स को 012 बैच के, उन्होंने इतनी अच्छी फेयरवेल हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मैं सबको बहुत बहुत मिस करूँगी, स्पेशली वो फर्स्ट ईयर की जो इंट्रैक्शन थी, जो उन्होंने एकदम बहुत डिसिप्लिन वे में, जिसको हम रैगिंग कहते हैं, बहुत 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 अच्छा टाइम था, और लव यू ऑल। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत सुपर पॉजिटिव, करेजस और काइंडनेस कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और ये सारी चीज़ें होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बनता है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, आगे सारा आसमान बाकी। और विरदा को भी कुछ कहने हाँ, और सेम लाइन, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सब बहुत मज़ा आया, सबको बहुत मिस किया जाएगा, बस एक ही चीज़ का दुख रहेगा कि सिंगल आए थे और सिंगल ही जा रहे हैं। बाय। Yay! Yay!